हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स 16 जून का। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप अपना अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको वापस एक बार याद दिला दूं कि दिस इज़ द परफेक्ट चैनल। ये पूरा परफेक्ट चैनल है जहाँ आप करंट अफेयर्स कर सकते हो, क्योंकि मैं ये जो करंट अफेयर्स मैं और मेरी टीम आपके सामने लेके आते हैं, ये लेटेस्ट अपडेटेड होता है, रीसेंट अपडेटेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको कहीं और रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करंट अफेयर्स के लिए सोच रहे हैं तो आप इससे करंट अफेयर्स पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हो। और यदि मेरे कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ने का शौकीन हो या न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हो, बट इन एनी केस उनको द हिंदू या कुछ नहीं मिल पा रहा, तो आप इसी से पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। ये जो न्यूज़ है आपके सामने, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ रहती है। यू कैन रीड इट एंड यू कैन एंजॉय इट। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक परफेक्ट चैनल है आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी है। क्यों? क्योंकि दे कैन वॉच द करंट अफेयर्स। ठीक है, इट इज़ अप टू डेटेड। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल थॉट, प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वॉन। प्रैक्टिस ऐसे करो कि जैसे आप कभी जीते नहीं हो। एंड परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। परफॉर्म ऐसे करो कि आपको कभी हार नहीं है। एक जो स्पिरिट होता है ना, ये हमेशा रहना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड, सेशन को रिवाइड करते हैं। पुणे रेलवे स्टेशन ने क्या लॉन्च किया है? कैप्टन अर्जुन। ये क्या है? एक रोबोटिक डिवाइस है। यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सी योजना निकाली है? बाल श्रमिक विद्या योजना। मतलब कि बाल श्रमिक, जो मजदूर बच्चे जो कहीं किसी न किसी में काम करते हो, मजदूरी करते हो, उनके लिए कैसे, उनको हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं? चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापट्टनम। ये चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने? ईस्टर्न नवल कमांड के विश्वजीत दास गुप्ता। एंड फ्रेंड्स, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम विजय क्लास से, हम जो सुशांत सिंह की पिक शेयर की थी, वो पिक आप लोगों के व्हाट्सएप आए कि पिक जो ज़्यादा स्ट्रेच हो गई थी, इसलिए दिख नहीं रही थी अच्छे से। सो वी ऑन द बिहाफ ऑफ विजय क्लासेस, हम आपसे एक्सट्रीमली सॉरी बोलते हैं। आपके जो भी सजेशंस है वी एक्सेप्टेड, और आगे से हम ट्राई करेंगे कि आपको और बेटर सर्विस दे सके। वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है? रतन लाल को। इंटरनेशनल ऑल्बिनिज्म डे ये कब मनाया जाता है? 13 जून को। इसकी थीम क्या थी? मेड टू साइन। इंटरनेशनल ऑल्बिनिज्म डे की थीम क्या है? मेड टू साइन। जगदीश मुकाती, किन की डेथ हुई है? जगदीश मुकाती, ये कौन है? टीवी एक्टर। कर्मभूमि एक जॉब पोर्टल लॉन्च की गई है किसके लिए? वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है एक जॉब पोर्टल जिसका नाम है कर्मभूमि। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है वो ले ऑफ कर रही है अपने एम्प्लॉयज को। टू ओवरकम फ्रॉम द अनएम्प्लॉयमेंट, कर्म भूमि जॉब पोर्टल एक लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर फ्रेंड्स, 12 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ग्रीन मिजोरम डे, मैंने आपको बताया था कि एक इनिशिएटिव शुरू की गई थी, तो ग्रीन मिजोरम डे ये कब मनाया जाता है? 11th ऑफ जून को। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मिस्टर सोनू सूद को बनाया गया है। आप जानते होंगे सोनू सूद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूपी बिहार में इनको भगवान की तरह पूजा जा रहा है, मसीहा माना जा रहा है। सो ही हार्डली नीड एनी इंट्रोडक्शन, तो इवन द गवर्नमेंट बॉडीज आर अप्रिशिएटिंग हिम। एंड माई टीम इज़ प्रिपेयरिंग वन गुड वीडियो फॉर यू
आप सबके लिए एक अच्छा वीडियो प्रिपेयर करें सोनू सूद के ऊपर, सब कुछ बताया जाएगा उसमें आपको। एंड आई रिक्वेस्ट माय टेक्निकल टीम एंड एडिटिंग टीम कि आप प्लीज़ इसके ऊपर वर्कआउट करें। नेक्स्ट, डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल DSRV, डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, जगन्नाथ चोडेरू स्कीम कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को। थीम क्या है? सेफ ब्लड सेव लाइन, मतलब कि सेफ ब्लड जो सेफ लाइन्स। फ्रेंड्स, आप सबको भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, हार्डली 3 मंथ्स होता है उसमें ये आपका जो ब्लड जाता है वो निकल आता है, मतलब वापस हो जाता है, वापस आप सही हो सकते हो, लेकिन आपका ब्लड जो है वो किसी और के काम आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ल्ड विंड डे 15 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड विंड डे, और ग्लोबल विंड डे भी मनाया जाता है 15 जून को। विंड मतलब क्या होता है आपको पता है? अब आप अगर जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी जो है वो विंड मिल दिखेगी आपको, बहुत सारी विंड मिल आपको दिखने को मिलेगी जैसलमेर की तरफ, पवन चक्की जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, ये मनाया जाता है 15 जून को कि बड़े बुजुर्गों के साथ मतलब एब्यूज ना हो, कोई गाली गलौज करके बात ना करे, उनसे के रिलेटेड अवेयरनेस के लिए वो डे मनाया जाता है कब? 15 जून को। नेक्स्ट हीरा सिंह राणा, ये एक फोक सिंगर थे हीरा सिंह राणा, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ही वॉज वेरी सक्सेसफुल सिंगर और इनकी बहुत सारी म्यूजिक जो है वो आई हुई है। हीरा सिंह राणा, ही वॉज अ फोक सिंगर, नाउ ही इज नो मोर, अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। देखो, विच बैंक हैज एक्सटेंडेड, किस बैंक ने एक्सटेंड किया है एक क्रेडिट लाइन ऑफ आर एस 750 करोड़ की क्रेडिट फॉर द गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए किस बैंक ने क्रेडिट लाइन को एक्सटेंड किया 750 करोड़। देखो, 750 करोड़ गोरख लिंक एक्सप्रेसवे, एक एक्सप्रेसवे है जो गोरखपुर की तरफ जाती है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI, PNB। आंसर आपका PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो तीसरा फेज है साउनी स्कीम का, वो 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा, टू फिल सौराष्ट्र डैम जो है उसको फिल करने के लिए, सौराष्ट्र जो डैम है उसको फिल करने के लिए। इन विच स्टेट इज़ द साउनी स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड, किस स्टेट में ये साउनी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका। आंसर है गुजरात स्टेट होगा जो साउनी स्कीम को कंप्लीट करेगा 2021 तक, और साउनी स्कीम जो है वहीं गुजरात में इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटना खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल कपूर। तो आंसर है आपका पंकज त्रिपाठी। अगर आपको फ्रेंड्स रियली लाइफ में स्ट्रगल देखना है ना कि किसी एक्टर ने की है अगर किसी हेड तक पहुंचने के लिए, तो पंकज त्रिपाठी, ये पहले एक होटल में काम करते थे, इनकी जो फर्स्ट मूवी थी वो रन थी, आपने सबने देखी होगी ये मूवी, याद रहती है, कौवा बिरयानी से रिलेटेड, उसमें एक छोटा सा कैमियो मिला था, इनको छोटा सा रोल मिला था विजय राज के साथ, जो अलाहाबाद नदी की बात करते हैं, यमुना नदी की बात करते हैं, ये क्या हुआ भाई, क्या खाए थे, बस वही था ये बंदा पंकज त्रिपाठी। फ्रॉम देयर तो उसके बाद आप देख लो पंकज त्रिपाठी कितनी सारी मूवी आ गई है, सुपर डुपर हिट। इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर पटना खादी मॉल का।
ही इज ऑल्सो फ्रॉम NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली. विच जोन ऑफ रेलवे, कौन सा जोन है रेलवे का जिसने लॉन्च की है स्क्रीनिंग फैसिलिटी फेवरी आई. नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे, साउथर्न सेंट्रल रेलवे, किस रेलवे ने लॉन्च किया कि स्क्रीनिंग फैसिलिटी फेवरी आई. तो ये सेंट्रल रेलवे ने. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, एक्जिम बैंक जो है, एक्जिम बैंक ने सेंक्शन की है लाइन ऑफ क्रेडिट डॉलर 215.68 मिलियन डॉलर जो क्रेडिट किए है मालवाई. हेडक्वार्टर कहाँ है एक्जिम बैंक का? लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता. आंसर है आपका मुंबई. मुंबई जो है वो हेडक्वार्टर कौन सा? एक्जिम बैंक. सीईओ कौन है एक्जिम बैंक के? डेविड रशुखिन्ना. डेविड रशुखिन्ना. कैपिटल क्या है मलाई की? लिलोंज. करेंसी क्या है मलाई की? क्वाचा. ठीक है, ध्यान रखो, सीईओ कौन है एक्जिम बैंक की? डेविड रशुखिन्ना. कैपिटल क्या है मलवाई की? लिलोंज. करेंसी क्या है मलवाई की? क्वाचा. नेक्स्ट, राजपर्व, राजपर्व एक फेस्टिवल है रिलेटेड टू विच स्टेट. किस स्टेट से रिलेटेड है राजपर्व? ओडिशा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र. राजपर्व ये रिलेटेड है ओडिशा से. राजपर्व. हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ UTI AMC? किसको अपॉइंट किया गया सीईओ UTI AMC? इम्तियाजपुर रहमान, विश्वजीत दास गुप्ता, अरुण सिंगल, ऐमान इज्जत. इम्तियाजुर रहमान. इम्तियाजुर रहमान को अपॉइंट किया गया सीईओ UTI AMC का. अरुण सिंगल कौन है? सीईओ कहाँ के? FSSAI, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ यमुना इंडिया. फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ऐमान इज्जत ये कौन है? सीईओ ऑफ कैप जर्मनी. देखो फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं ये कि फेसबुक ने कोलैबोरेट किया है किस कंपनी के साथ? विच कंपनी अलोंग विद माइक्रोसॉफ्ट. फेसबुक ने कोलैबोरेट किया है विद विच कंपनी, किस कंपनी के साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर टू फाइट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑनलाइन. ये जो ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है इससे लड़ने के लिए फेसबुक ने कोलैबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ. और कौन सी कंपनी के लिए है उसने? गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट. तो गूगल को. ठीक है, सुंदर पिचाई. सुंदर पिचाई कौन है? गूगल के सीईओ. व्हाट्सएप, जॉन मैक्सन, टिम ब्राइन. आपको एक स्टोरी जान के हैरानी होगी फ्रेंड्स कि ये जो व्हाट्सएप के को फाउंडर है दोनों, जॉन मैक्सन एंड टिम ब्राइन, ये दोनों जो है वो होटल में वेटर की नौकरी करते थे. और इन दोनों ने फेसबुक में जॉब के लिए एप्लीकेशन मांगी थी. ध्यान से सुनना मेरी बात को. टॉम एक्सन, जॉन एक्सन एंड टिम ब्राइन, इन दोनों ने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया था और दोनों को रिजेक्ट कर दिया था. एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड व्हाट्सएप इन 2009. ठीक है फ्रेंड्स, पहले इन्होंने फ्रेंड्स पे रिसर्च करके देखा था, फ्रेंड्स से बात करके देखे थे. व्हाट्सएप एक पहली ऐसी कंपनी है जिसने एडवर्टीजमेंट पे एक रुपया भी खर्च नहीं किया होगा. आपने कहीं व्हाट्सएप का एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा होगा. वी चैट का आता भी था, व्हाट्सएप का नहीं आता था एडवर्टीजमेंट. ये अपने आप इतना पॉपुलर हुआ है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा फेमस है व्हाट्सएप लोगों के बीच में. हर जगह आप देखो, किसी को देखो आज के नया ट्रेंड किसी व्हाट्सएप कर दे, व्हाट्सएप कर दे, तो व्हाट्सएप नाम भी इसी पर था. मतलब वैसे एक मैसेज आता उसमें व्हाट्सएप. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए कहते हैं बाद में फिर फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा. तो कभी भी लाइफ में कहीं से आपको रिजेक्शन मिले तो टेंशन लेने की बात नहीं है. समथिंग बेटर इज ऑन द वे एंड आई नो माई टीम इज नो बेटर देन दिस. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनोग्रेटेड
किसने इनॉग्रेट किया है? 18th बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, 18वीं बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, फॉर यूनियन टेरेटरीज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का। जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। देखो क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसने, देखो नरेंद्र मोदी कौन है, प्राइम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह होम मिनिस्टर, ठीक है। इनग्रेट किया है बेंच, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेंच यूनियन टेरेटरीज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए, तो जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च इनोग्रेट किया है। इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट इन्फेक्शनस डिजीज, भारत जो है वो पहला इन्फेक्शनस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब मिलेगी उसको। हैज़ बीन बिल्ट बाई विच कंपनी, किस कंपनी ने बिल्ड किया है भारत की पहली इन्फेक्शनस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब? भारत बेंच, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस। तो आपका आंसर है भारत बेंच, रिलायंस, धीरू भाई अंबानी ग्रुप, अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, विप्रो, अजीम प्रेम जी, इन्फोसिस, नारायण मूर्ति, ठीक है। तो भारत बेंच जो है वो बिल्ट करेगा क्या, इन्फेक्शनस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब। देखो टीपीजी ने एक्वायर किए है 0.93% स्टेक, वो करीब कितने करोड़ है, जियो प्लेटफॉर्म, देखो अगेन वापस जियो प्लेटफॉर्म की बात आ गई, ठीक है। तो 3546 करोड़, 4546 करोड़, 4673 करोड़, 5123 करोड़। तो आंसर है आपका बेटा, 4546 करोड़ ये टीपीजी ने एक्वायर किया है, 0.93 स्टेक की कीमत इतनी, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और फ्रेंड्स आपको याद दिला दूं कि पूरे दिल्ली, जो भी फ्रेंड्स मेरे दिल्ली में रहते हो, दिल्ली जो पूरे रेड जोन में डाल दिया गया है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैव टेकन इंटरफेयर इनटू इट, उन्होंने इंटरफेयर लिया है। आपने एक वीडियो देखा होगा, हमने भी देखा था, LNJP हॉस्पिटल का, जिसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था। तो अमित शाह जी ने डायरेक्ट एडवाइजरी जारी किया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो भी COVID-19 वार्ड है, जहाँ COVID-19 वार्ड बनाया गया है, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर CCTV कैमरे लग जाने चाहिए। और आज उन्होंने LNJP अस्पताल का विजिट भी किया था। तो फ्रेंड्स इट मीन्स द सिचुएशन आर नॉट गेटिंग नॉर्मल, सिचुएशन आर गेटिंग वेरी टफ, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप अपना भी ध्यान रखें, अपने आसपास भी ध्यान रखें। चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के लिए आप AJ क्लासेस की करंट अफेयर्स डेली आराम से देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगी। एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द कमेंट, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आज मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूँगा फ्रेंड्स, आपसे मैंने पहले पूछ रखा क्वेश्चन, आपको उसका आंसर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि आपको अपना ध्यान अब स्वयं ही रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिचुएशन इज गेटिंग वेरी टफ, क्योंकि लोग जो है वो पहले उन्होंने मात मान ली लॉकडाउन की, लेकिन जब पैसा नहीं रहेगा तो लोग खाएंगे कैसे, तो इसीलिए पीपल्स आर स्टार्टेड टू गोइंग आउटसाइड एंड ऑल। सो बट कीप योरसेल्फ सेफ इन ईच एंड एवरी कंडीशन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।